हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। मैं गगन कह रहा थोड़ा अपनी चैनल टेस्ट एंड ट्रेंड उत्ते वेलकम कर दी हाँ। आई होप कि तुसी सारे जने बहुत वधिया होवोगे। अज आप बना रहे हैं परमी शिमला मिर्च। आप स्टफ्ड शिमला मिर्च बनावे बहुत ईजी तो सिंपल वे दे नाल। फ्रेंड्स, अगर अजे तक भी तुसी मेरे चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो तो बैल आइकन दबना ना भुल्यो ताकि हर मेरी वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। आई होप कि तुसी इस रैसिपी नू लाइक करोगे तो ट्राई भी करोगे। इतने आप 6 शिमला मिर्चा लिया ने, 2 प्याज, 1 टमाटर, हरिया मिर्चा, लसन ते अदरक, 3 बॉयल किए हुए आलू लेने, उन्होंने आप अच्छी तरह के नाल मैश कर लिया। सब तो पहला आप शिमला मिर्चा के जड़े है कैप है जो डंडी है उतार देवे तो इनू विच तो बिल्कुल ही आप खाली कर लवेंगे ताकि अपनी जी स्टफिंग है वह अच्छी तरह के नाल ये फिल हो सके। इस तरह के नाल आप बाकी सारिया शिमला मिर्चा के भी जिहड़ियां डंडियां ने उतार लवेंगे तो विच तो अच्छी तरह के नाल इनू खाली कर लवेंगे। हाँ जी, अपने जिहड़ी शिमला मिर्चा 6 प्याज आप कट कर लिया, अपने आलू बॉयल किए आप मैश किए हुए हैं। इतने आप जिंजर गार्लिक तो चिली का पेस्ट बना लिया, टमाटर का भी आप पेस्ट बना लिया। इतने आप जो थोड़ा जहा पनीर लिया है उन्होंने कद्दूकस कर लिया, ये ऑप्शनल है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले सकते हो, अदरवाइज तुम स्किप भी कर सकते हो। हाँ जी, मैं पैन के ऑयल पाया थोड़ा जहा, वो सब तो पहला आप सारिया शिमला मिर्चा है इन्हों शैलो फ्राई करा। हाँ जी, सारिया शिमला मिर्चा आप ये पा देवे। शिमला मिर्चा आप अच्छी तरह के नाल जड़ा शैलो फ्राई कर लवेंगे। आप साइडा इन्ह दिन चेंज करते रहेंगे टाइम टू टाइम, 3 से 4 मिनट के जड़िया ने शिमला मिर्च वो फ्राई हो जाएगी। साइड्स आप चेंज कर रहे हैं, हर साइड तो आप इन्हू जड़ा है पका लेना है। हाँ जी, आप इन्ना ही पकाना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि जो आप स्टफिंग करांगे उस टाइम आपू जिस तरह शिमला मिर्चा चाहिए ने, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट शिमला मिर्च आप नहीं चाहिए। आप इन्हों कड लवेंगे। हाँ जी, कड के आप इन्हों एक प्लेट के रख लिया। दूसरी साइड जिहड़ा पैन दे विच एक्स्ट्रा ऑयल सी उन्हों आपां एक कटोरी दे विच कढ़ लए ते थोड़ा जिहा ऑयल रखिया आपां इहदे विच पैन दे विच, उहदे विच आपां जिहड़े सारे स्पाइसिस पावांगे। इत्थे मैं 1/2 टेबलस्पून जीरा लिया है, 1/2 टेबलस्पून सुखा धनिया, लाल मिर्च, नमक, किचन किंग थोड़ी जी सूंड, ते थोड़ा जिहा आपां जिहड़ा है सुकी मेथी लईए। सब तो पहला आपां पैन दे विच जीरा ते सुखा धनिया पावांगे। हाँ जी, 1 मिनट के लिए इन्हों पकावे। हाँ जी, उस तो बाद जो अपने बाकी स्पाइसिस ने वो आप ऐड कर देवे, नाल ही आप इतने जोड़े आ अपने बॉयल किए हुए जोड़े आलू ने आप पा देवे। अच्छी तरह के नाल आलूआ के जोड़ा मसाला है वह मिक्स करा। हाँ जी, जिहड़ा इत्थे अपना मसाला है आलूआं दे विच अच्छी तरह दे नाल जिहड़ा आपां मिक्स कर लिया है। अपनी जिहड़ी स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। इस टाइम दे उपर आपां इहदे विच पनीर जिहड़ा क्रश किया होया आपां ऐड करांगे। ये ऑप्शनल है, तुहाडे कोल अवेलेबल है, तुसीं पा सकते हो, अदरवाइज इहनूं स्किप भी कर सकते हो। इहनूं भी अच्छी तरह दे नाल मिक्स कर लवेंगे। अपनी जिहड़ी स्टफिंग है वह रेडी हो चुकी है, तो हुण आपां इहनां नूं शिमला मिर्चा दे विच फिल करांगे। आप जिहड़ा स्पून की हैल्प दे नाल शिमला मिर्च दे विच स्टफिंग जिहड़ी उह फिल कर लवेंगे। हाँ जी, आप अच्छी तरह के नाल जिहड़ी स्टफिंग फिल करनी है शिमला मिर्चा दे नाल। हाँ जी, आप सारिया शिमला मिर्चा इस तरह जिहड़ियां ने फिल कर लिया ने, अपनी जिहड़ी स्टफिंग जिहड़ी शिमला मिर्च की वह अच्छी तरह के नाल हो चुकी है। तुसी इस तरह इनू दोबारा तो फ्राई करके इस तरह भी खा सकते हो, पर आप इन्हों जिहड़ा ग्रेवी बनावांगे। इहदे लई जिहड़ा अपना एक्सट्रा ऑयल बचिया सी उह चों आप थोड़ा जिहा होर ऑयल पैन दे विच पावांगे। 1/2 टेबलस्पून के करीब आप जीरा पावांगे, जिहड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट है वह ये ऐड करांगे। 1 से 2 मिनट के लिए पकावांगे।
ये आप ग्रेवी तैयार कर रहे हैं शिमला मिर्च दी ली। उधर बीच प्याज ऐड करेंगे। प्याज नूं आप 4 to 5 मिनट दे ले गोल्डन ब्राउन होने तक पकावांगे। प्याज का कलर जरा थोड़ा जहा चेंज होना स्टार्ट हो गए। 1 to 2 मिनट के लिए आप इन होर पकावे ताकि अच्छी तरह के नाल जो प्याज है वह गोल्डन ब्राउन हो जाए। जिन्ना अच्छा थोड़ी जरा तड़का लग्या होएगा जिन्ने अच्छी तरह थोड़े प्याज जो भुजे हो उन्ना ही जी थोड़ी ग्रेवी है टेस्टी बनेगी। इतने अपना प्याज जोड़े है वह पक चुके। ये आप टमाटर का जोड़ा प्यूरी बनाई है वह ऐड कर दी है। नाल ही आप इतने जी है इतने मैं 2 चम्मच के करीब जी मार्केट वाली टमैटो प्यूरी होंगी वो ऐड की है। ये कलर बहुत वधिया आता है टेस्ट भी बहुत वधिया आता है। अगर तुहाडे को अवेलेबल है तुसी पा सकते हो अदरवाइज़ तुसी 2 टमाटर की प्यूरी पा सकते हो। इतने आप मसाले लेने 1 चम्मच रैड कश्मीरी मिर्च 1/2 चम्मच नमक 1/2 चम्मच हल्दी 1/2 चम्मच किचन किंग। हाँ जी अच्छी तरह के नाल आप तड़के मसाले मिक्स करांगे। बहुत अच्छी तरह के नाल इनू आप 3 to 4 मिनट के लिए पकावांगे। हाँ जी नाल ही आप जिहड़ियां अपनियां स्टफ्ड वालियां शिमला मिर्चा ने उहदे विच रख देवांगे। शिमला मिर्चा नूं आप जिहड़ा ग्रेवी के विच रख दिता है। हाँ जी अच्छी तरह के नाल आप इनू ग्रेवी के विच जिहड़ा मिक्स कर दिता थोड़ा टाइम। हाँ स्लोली स्लोली आप ग्रेवी ये उपर पा दी है तो इनू आप जिहड़ा ढक्कण लगा के 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के उपर पकावांगे। हाँ जी इतने आप जी शिमला मिर्चा 5 मिनट के लिए एक साइड तो पक गई है। हूँ इन्हों की आप साइड जी टर्न करके दूसरी साइड तो भी पकावे। सारिया साइड आप जड़िया ने ध्यान आप चेंज करनिया ने। सेम प्रोसैस के आप 5 मिनट के लिए जरा दूसरी साइड तो इनू पकावे ताकि अच्छी तरह के नाल जो ग्रेवी का टेस्ट है वो शिमला मिर्चों के चले जाए तो जी शिमला मिर्च की जी उपर वाली परत है वह अच्छी तरह के नाल कुक हो सके। हाँ जी इतने अपन शिमला मिर्चा जीडिया ने बन के रेडी हो चुकी ने। आप गार्निश के लिए धनिया पावे थोड़ा जहा जो पनीर मेरे को बच गया से वह भी आप उपर पावे। ये ऑप्शनल है गैस की फ्लेम कर देवे आप ऑफ तो अपन जड़िया शिमला ने शिमला मिर्चा ने बन के रेडी हो चुकी ने बहुत ज़्यादा टेस्टी बन दिया ने। आई होप कि तुम इस रैसिपी को जरूर ट्राई करोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दस्यो कि तुहाडी रैसिपी किस तरह की बनी। थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। एक नवी वीडियो के नाल कल फिर मिलते हैं तद तक के लिए सत श्री अकाल।